इसको कहते हैं जुगाड़। नकली है ये, नकली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और रात मैंने यहाँ पे स्टे किया था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे नींद आई। ये जो आप बैक साइड पे देख रहे हैं, ये मेरा रूम था, बिल्कुल विंडो के साथ ही मेरा बाइक खड़ा। इंशाल्लाह आज हम पहुँचेंगे कराची, सिंध में एंटर होंगे और आपको फिर इंशाल्लाह आज की जर्नी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए, टोटल 4 घंटों का सफ़र है और देखते हैं कि कैसा रहता है ये सफ़र। आए मेरे साथ, लगभग 6 घंटे लग सकते हैं। सामान वगैरह सारा चेक कर लिए, मेन हाईवे पे हम आ गए। ये हाईवे सीधा सीधा जाता है कराची। होटल यहाँ पे रुके हैं, फिर नाश्ता करते हैं। न्यू कोटा फलवान होटल में नाश्ता किया, छोटा सा होटल था कोई, इतना लग्जरी होटल नहीं। ये सामने पेट्रोल पंप तो नज़र आ रहा है, वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं अभी, क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल नहीं है इसमें। क्या हाल है, ठीक ठाक है? पेट्रोल कैसे है? ठीक ठाक है, पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल डलवा लिया, अब खुशदार को हम करते हैं बाय बाय। और टाइम दे दी हमने खुशदार को, ख्याल में हमें कोई 1 घंटा या आधा घंटा यहाँ लगा है चीज़ों को संभालते संभालते करते करते, इसलिए कोशिश करते हैं खुशदार से जल्दी से निकल जाते हैं। शहर को मैं पीछे छोड़ आया और अब निकल आया हूँ। इसके बाद आएगा वड, कोई 50 से 60 किलोमीटर वड आएगा, फिर उसके आगे फिर हम देखते हैं कौन कौन से शहर आते हैं, उथल है और इस तरह के। अब ऑलमोस्ट यहाँ की जो लैंडस्केप है थोड़ी चेंज होने लग गई है, कहीं पे मिट्टी वाले पहाड़ आते हैं तो कहीं पे दूसरे वाले, तो मिक्सअप है यहाँ पर अब पहाड़ों का। तो रोड बहुत छोटा सा है आगे और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। इंशाल्लाह देखते हैं, सफर का आगाज करते हैं इसी तरह स्लोली स्लोली। कराची, कराची कितना दुकान शुरू हो गया इधर से। यहाँ बस ये उसका पहला स्टॉप है यहाँ पान का, तो यहाँ से लेकर अब आगे पान ही पान हमें नजर आएगा। कराची का पान आपको यहाँ वर्ल्ड के स्टार्ट से ही नजर आना शुरू हो जाता है। ये देख, भाई कुछ बेच रहा है। क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? शहद बेच रहे हो? अच्छा चलो, मुझे तो शहद ही चाहिए। ये नकली है, नकली है ये।
नकली है असली, असली। नहीं मैं तो शायद क्या करूँगा, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। कितने का है? हाँ चलो यार, मैं बाइक पे ना गाड़ी पे होता ले लेता। नहीं हम नहीं ले गए इसीलिए। कौन सा वाला चाय है? ये क्या डाला है मुंह में? पान है? अभी शुरू हो गया पान। हाँ यार वो काला चाय जो, हाँ लसबेला के हम कोई 50 किलोमीटर दूर यहाँ एक होटल में रुके, चाय पी भाइयों के साथ। सब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो गई, टेम्परेचर 34 सेंटीग्रेड हो गई, एकदम गर्मी बढ़ गई। रोड से नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्सन आया लेकिन काफ़ी। ओहो रेत है सारी, बड़ा मुश्किल निकल गया, स्लिप हो रहे थे टायर, रेत थी। तो फ्लडिंग आई थी, ये सारा रास्ता अक्सर जगहों पे हर 20-30 किलोमीटर बाद इस तरह पानी लेके गया है, आप देख सकते हैं। ये पिछले मंथ्स में सैलाब आए थे तो ये सारा रास्ता उसकी वजह से भी यहाँ पे कई जगहों पे पानी ले गया। 0 पॉइंट हम पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से स्टार्ट किया था और गवादर के 0 पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये 0 पॉइंट है गवादर और कराची का। यहाँ से राइट मुड़ते हैं तो आपका आ जाता है अंगोल पार्क और गवादर। इंशाल्लाह इसको करेंगे हम अगली एपिसोड्स में, आप लाजमी देखिएगा। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, प्रिंसेस होप को भी विज़िट करेंगे। इस वक्त 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये है हमारे एक दोस्त हैं जानजेब भाई, उनका एक ये पेट्रोल पंप है विंदर। अगर आप इस्लामाबाद से और अगर आप कराची से निकलते हैं गवादर के लिए तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा पेट्रोल मिलेगा। आपको यहाँ से विंदर से थोड़ा सा आगे आएंगे 2-3 किलोमीटर तो ये पेट्रोल पंप है, आपने लाजमी यहाँ पे रुकना है और यहाँ पे आपने पेट्रोल डलवाना है। मैंने भी यहीं से अभी टंकी फुल की, मैं तो आ रहा था बलूचिस्तान से, ये उनका पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया, एक छोटा सा चाय वगैरह पी। अभी हम विंदर बाज़ार को क्रॉस कर रहे हैं और विंदर के बाद हब को क्रॉस करेंगे, हब के बाद कराची को इंटर होंगे हम कराची में, और फिर हमारा स्टे आज कराची में होगा। इस वक्त दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं और मैं काफ़ी थक गया था, थोड़ी देर मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे स्टॉप लिया और भाई साहब ने चाय पिलाई, जानजेब भाई ने उनका शुक्रिया और उनसे गपशप हुई थोड़ी और फिर हम अपनी सफ़र की तरफ दोबारा से चल पड़े। ये विंदर है सारा, कराची की ट्रैफिक पागलों की तरह लोग चलाते हैं। लाहौर और कराची वालों तुम लोगों को शाबाश है, तुम लोग कैसे चलाते हो यार, मैं तो ऐसे हो गया
कैमरे मैंने उतार दिए, मुझे लोग कह रहे थे भाई उतार दो यहाँ पे चोरी होते हैं, यहाँ पे कुछ मत छोड़ो, सिर्फ मैंने GoPro छोड़ा है।